दोस्तों आप लोग का स्वागत इस पी लास्ट चैनल। आज सेशन में इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल के लिए ये सेशन बोल रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये भी ये पहला वेदर इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल आर ट्रांसिटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट आर सेशन कोर्ट इफ FIR registered in another state. This is a question. Answer is that yes. बोले तो जो anticipatory bail, जो interim, interim anticipatory bail, interim anticipatory bail और transitory bail, जो भी high court और court of session दे सकते, जो FIR दूसरा state में फाइल करने का बाद जो भी जवाब है बिल्कुल दे सकते। जो भी 22/11/23 ने सुप्रीम कोर्ट एक केस ला में बोला, प्रिया इंदिराणी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी नागरत्न जस्टिस उज्जवल बयान उन्हें जजमेंट दिया जो बोला ये FIR दूसरा स्टेट में FIR होने के बाद जो अक्यूज्ड इंटरिम एंटीसिपेट बेल आ ट्रांसिटरी बेल उनका स्टेट में ले सकते या ना ले सकते, बोले तो ले सकते ऐसा बोला। उन्हें जो जजमेंट देने जो डिलीवर करने के जो समय में जो वाक्य करा ये इंटरिम बेल एंटीसिपेटरी बेल इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल और ये ट्रांसिटरी बेल देना ये इंटरलिंक है। एंटीसिपेटरी बेल और ट्रांसिटरी इंटरलिंक है जो ये देना ये पर्सनल लिबर्टी का मामूल है अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दे सकते। उन्हें बताया वो जजमेंट देने के बाद बताया जो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ द एक्सेस टू जस्टिस एंड इफ रिजेक्शन ऑफ प्ली फॉर लिमिटेड ट्रांसिटरी एंटीसिपेटरी इज मेड स्लोली विथ रेफरेंस टू टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इट वुड ऐड इन टू द रिस्ट्रिक्शंस पावर्स एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 438 ऑफ द CRPC बोला। बोले तो जो भी ये इनकार करने का जो इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल और ट्रांसिटरी बेल इनकार करने की अच्छा नहीं है, बोले तो ये रिस्ट्रिक्शन बोता 438 सेक्शन को ये ऐसा करने के बाद जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बोले तो जस्टिस को नुकसान होता जो बोले तो एक्चुअल क्या बोलता उसको फियर रहता अरेस्ट के लिए आके अरेस्ट करता ना वो फियर में रहता जब क्या देखना अदालत जो भी एक्चुअल जैसे presumed that accused is innocent until unless the guilt is proved beyond all reasonable doubts. बोले तो ये accused का जो इल्जाम कराना वो सबूत से प्रूव होने तक जब तक ये accused innocent जैसा समझा के ये interim anticipatory bail और ट्रांसफर बिल दे सकते। ये देने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन 21 जो पर्सनल लिबर्टी जैसे दे सकते ये सही है। जो भी FIR दूसरा स्टेट में लगाने के बाद उन्हें खुद ही उनका स्टेट में इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल आर ट्रांसफर बिल ले सकते ऐसा ए रिमार्केबल जजमेंट उन्हें सुप्रीम कोर्ट दिया। जैसे ये कानून क्या है बोले तो दूसरा ये हिंदुस्तान में कई किसी स्टेट में एक आदमी को फॉर एग्जांपल आदमी हैदराबाद में उनका
ये राइवल बोल को केस होना महाराष्ट्र में केस लगा, FIR रजिस्टर करा, उन्हें हैदराबाद आंध्र तेलंगाना में इंटरिम एंटिसिपेट बेल दे सकते, ले सकते, ट्रांसिट बेल दे ले सकते बोले तो ले सकते, आप सुप्रीम कोर्ट बोला ना जो भी जेल सकते, ऐसा जो भी ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चल रहा है, जो बोले ना पर्सनल लिबर्टी, हाफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी उसको देना, अक्यूज को इनोसेंट जैसे समझाना, जब तक तब तक उनका इल्जाम सबूत से प्रूव होने तक तब तक इनोसेंट है, वो प्रूव होने के बाद नहीं है, ऐसा ये रिमार्केबल जजमेंट गिवन बाय दे जो अत्युन्नत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी ये भी बोले तो फाइनली दोस्तों, जो FIR किसी भी स्टेट में फाइल होने के बाद डरना नहीं, जो इंटरिम एंटिसिपेटेड और ट्रांसिटरी बेल दे ले सकते तुम्हारा स्टेट में, सुप्रीम कोर्ट बोला। यही है आज का सेशन, ये अंडरस्टैंड हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। दिस इज VS पटेल, मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाइफ मेंबर ऑफ द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तेलंगाना सेक, आंध्र प्रदेश, लिव्स इन करीमनगर, हैदराबाद, विजिटिंग न्यू दिल्ली। अभी जो हिंदुस्तान में लीगल सर्विस और क्वायरीज के बोले तो मेरा अच्छी एड्रेस है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख के मेरा कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट दे दो, ले लो दो दोस्तों। ओ यही है आज का इंफॉर्मेशन, धन्यवाद।